शहर के वासना रोड पर स्थित रिद्धि सिद्धि टावर में आज शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगते हुए स्थानीय रहीशों में भागा दौड़ी और घबराहट का माहौल पैदा हुआ था। मिली जानकारी के आधार पर शहर के वासना रोड विस्तार में आए हुए रिद्धि सिद्धि टावर के बी टावर में आज शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग ने जोर पकड़ा था, जो ये आग देखते ही देखते और भी रौद्र बनते हुए स्थानीय टावर में रहते वैसे लोगों में अपने जानमाल को लेकर भारी घबराहट और भागादौड़ी के दृश्य घटित हुए थे, जिसकी तत्काल वडोदरा वड़ीवाड़ी फायर स्टेशन को जानकारी देते हुए वड़ीवाड़ी फायर स्टेशन का काफिला स्थल पर आग बुझाने की कवायद में जुट चुका था। तो वहीं टावर के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आने में दिक्कत पैदा होते हुए ये कामगिरी में कहीं न कहीं देरी भी पैदा हुई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा भारी जहमत के बाद आग पर काबू लिया गया था। जहां रिद्धि सिद्धि टावर में आग जैसी दुर्घटना के लिए बचाव कामगिरी के लिए कोई भी फायर सेफ्टी के साधन मौजूद नहीं थे, जहां आने वाले वक्त में रिद्धि सिद्धि टावर के खिलाफ बचाव सेफ्टी और फायर सेफ्टी के साधन अभाव के अंतर्गत शिकायत दर्ज की जाएगी, वैसी भी जानकारी प्राप्त हुई थी। हाँ, हमारा वड़ीवाड़ी फायर ब्रिगेड फोन आया तो डायरेक्ट कि भाई वासना रोड नी सामने रिद्धि सिद्धि टावर है एम आग लगी है। अमे अँ आया तो वासना रोड ने सामने रिद्धि सिद्धि डी टावर में मीटरो में आग लगी थी। अमे आया पीछे आग बाग ओलवी पीछे जीबी वाला आई ने कामगिरी जीबी ने चालू है। कारण सर तो कारण तो जाणवा मळ्युं नथी, पण शॉर्ट सर्किट थी मीटरों में आग लागी एटले शॉर्ट सर्किट के ओवरलोडिंग ना कारणे आग लागी हशे। બિલ્ડિંગ ની અંદર ડી ટાવરો છે તો પેલા ટાવર સુધી તો આવી ગઈ, પણ ત્યાં ટાવર ને ત્યાંથી અમારી ગાડીને ટર્ન લેવા માટે એટલે જગ્યા જ ફાળવેલી નથી। હા, અને બિલ્ડિંગ ની અંદર ડીસીબી એક્સટ્યુ છે કે એવું ફાયર સેફ્ટી ના કોઈ સાધનો છે નહીં। એ તો ઓફિશિયલી વર્ક છે, અમે તો ફિલ્ડના માણસો છે એટલે એનું અમને કંઈ ખબર નહીં, પણ ફાયરની નોટિસો તો અત્યારે બિલ્ડિંગોને હોસ્પિટલોને અપાઈ રહી છે। હાજી, આપનું નામ? પ્રમોદ પાટીલ।